ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 18 से 22 जून के बीच इंग्लैंड के साउथैम्पटन मैदान पर खेला जाएगा। ये मुकाबला नहीं जनाब महामुकाबला है और इस महामुकाबले में एक तरफा जहां आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन टीम न्यूजीलैंड है तो दूसरे नंबर पर भारतीय क्रिकेट टीम है। इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए राह बिल्कुल भी आसान नहीं रही। पहले ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर हराना और फिर अपने घरेलू मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज बचाकर रखना, वो भी बड़े मार्जिन के साथ में फाइनल तक का सफर तय किया है। और फाइनल में भी भारत के लिए कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर हराया है और अब ऑस्ट्रेलिया के कई दिग्गज खिलाड़ी भारत के इस फाइनल मुकाबले को लेकर बयानबाजी कर रही हैं। यहां तक कि उन्होंने न्यूजीलैंड को चेतावनी दी है और भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में बहुत से बयान दिए हैं जो वाकई में हर किसी को हैरान कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के इन दिग्गज खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड को चेतावनी के साथ साथ ये भी बताया है कि भारत से पंगा लेना किस तरह से भारी पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के कई सारे दिग्गज खिलाड़ी जैसे डेविड वॉर्नर, पैट कमिंस और यहाँ तक कि टिम पेन जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है जिनका कैरियर तक बर्बाद हुआ है भारत की उस सीरीज के बाद में, उन्होंने भी न्यूजीलैंड को चेतावनी दी और भारत के बारे में बयान दिया। ये जानते उन्होंने क्या कहा इसे खास रिपोर्ट में, लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को फाइनल के लिए भारत से सावधान कर रहा है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया को इस बात का घमंड था कि गाबा के मैदान पर वो कभी हारा ही नहीं है। दूसरी ओर भारत के दिग्गज खिलाड़ी जैसे विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा जैसे खिलाड़ी नहीं होने के बावजूद भी भारत की युवा टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर हरा दिया। क्योंकि अभी अभी ऑस्ट्रेलिया भारत से मात खा चुका है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने अब न्यूजीलैंड को सावधान किया है, न्यूजीलैंड को चेतावनी दी है, न्यूजीलैंड को बताया है कि भारत का कौन सा खिलाड़ी आपकी पूरी टीम पर भी भारी पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा से काफी प्रभावित है। वॉर्नर ने जडेजा की गेंदबाजी की तारीफ करी है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में जडेजा को प्लेइंग 11 में जरूर शामिल किया जाएगा और ये खिलाड़ी एक्स फैक्टर साबित होगा। वॉर्नर ने माना कि कीवी बल्लेबाजों को जडेजा और अश्विन मिलकर परेशान कर सकते हैं। वॉर्नर ने कहा, समय के साथ जडेजा ने बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ असाधारण रूप से अच्छी गेंदबाजी करी है। केवल एक छोटा फुटमार्क होना चाहिए जो एक रोटी के आकार का हो सकता है, वो वहाँ पर लगातार गेंद डालेंगे। वार्नर ने कहा कि ये दो स्पिनर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। कमिंस ने कहा, उन्हें WTC की अवधारणा पसंद है और उन्हें फाइनल से बाहर होने का अफसोस है। उन्होंने कहा, ये अफसोसजनक है कि COVID-19 के कारण परिस्थितियाँ थोड़ी मुश्किल हो गई थी। मैंने हालांकि इसका पूरा लुफ्त उठाया, इससे हर श्रृंखला का महत्व थोड़ा और अधिक हो गया है और एक अलग आयाम जुड़ा है। ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज ने साथ ही में फाइनल मुकाबले को लेकर अपनी राय दी है और उन्होंने कहा, फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड की मौजूदा बारिश वाले मौसम में भारत के मुकाबले परिस्थितियों का ज्यादा लुत्फ उठाएगी। ऑस्ट्रेलिया कप्तान टिम पेन ने न्यूजीलैंड और भारत दोनों के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करी है। उन्होंने 2019 में न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया था, जबकि 2020 में भारत के हाथों 1-2 से पराजय का सामना किया, वो भी अपने घरेलू मैदान पर। न्यूजीलैंड ने फाइनल से पहले इंग्लैंड को टेस्ट श्रृंखला में 1-0 से हराया, लेकिन पेन का कहना है कि प्रमुख खिलाड़ियों के बिना उतरी इंग्लैंड टीम पर मिली जीत मायने नहीं रखती है। इंग्लैंड टीम बिना बेस स्टॉक, क्रिस फॉक्स, मोइन अली, जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर और विकेटकीपर बेन स्टोक्स भी उनमें नहीं थे। पेन ने कहा, न्यूजीलैंड की टीम अच्छी है लेकिन इंग्लैंड की यह सर्वश्रेष्ठ टीम नहीं थी, आसीज में हमें उनकी सर्वश्रेष्ठ देखने को मिलेगी। साथ ही में ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान टिम पेन को यकीन है कि पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर भारत विजयी होगा। उन्होंने कहा, मेरा अनुमान है कि भारत आसानी से जीत जाएगा, बशर्ते वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।